जय हिंद मुझे अपने काफी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर भाइयों के कमेंट्स आए कि हम बोलेरो नियो तो लेना चाहते हैं लेकिन इसमें से कौन सा मॉडल वैल्यू फॉर मनी है सो दिस वीडियो इज डेडिकेटेड फॉर दैट टॉपिक ओनली सो लेट्स गेट स्टार्टेड जब भी वी एफ वर्ड आता है मैं आपको सजेस्ट करता हूं आप मेरा ये वाला वीडियो देखिए इसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि वैल्यू क्या होती है एक बार आपने ये वीडियो देख लिया तो फिर आप खुद ही डिसीजन ले सकते हो कि कौन सी व्हीकल आपके लिए वैल्यू फॉर मनी बनती है अगर हम स्पेक बाय स्पेक कंपेरिजन करने जाए ये तीनों मॉडल्स का तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने इसमें से कुछ ऐसे फीचर्स कंसिडर नहीं किया फॉर डिस्कशनिजन जो की कॉमन हो सकते हैं या फिर वैल्यू वो फीचर जनरेट करतेट कैन बी जनरेटेड बाई अदर मीन ऑल्सो सो फॉर एग्जाम्पल कॉमन फीचर लाइक इंजिन एबीएस एयरबैग इको मोड इसमें दोनों आ गए पावर और एसी मोड पावर विंडोज एंड टेबल स्टेरिंग सेंट्रल लॉकिंग इलेक्ट्रॉनिक स्टार्ट स्टॉप इंजिन इमोबिलाईजर सीट बेल्ट रिमाइंडर एंड सो ऑन सो ये ऐसे फीचर्स है जो तीनों वेरियंट में कॉमन आते हैं सो so, इनका कंपेरिजन मैंने इस वीडियो में कंसिडर नहीं किया है दूसरे फीचर्स जो काफी स्मॉल वैल्यू ऐड करते हैं लाइक ब्लू सेंस एप सपोर्ट स्टेरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स एंड सो ऑन सो ऐसे फीचर्स को भी मैंने इस कम्पेरेटिव वीडियो में कंसिडर नहीं किया और लास्ट पॉइंट जो मैंने इस वीडियो से स्किप किया है वो है ऐसे सारे फीचर्स जिसकी वैल्यू आप बाई मीन्स ऑफ समथिंग एल्स जनरेट कर सकते हो लाइक म्यूजिक सिस्टम फ्लिप की एंड सो ऑन इस वीडियो में मैंने सिर्फ वही पॉइंट कंसिडर किए हैं जो डिसीजन मेकर है सो लेट्स चेक दल अभी जो आप देख रहे हो डिसीजन मेकर्स नहीं है लेकिन इस गाड़ी में आते हैं विच आई थिंक इज गुड टू हैव बट नॉट अ डिसीजन मेकर लाइक इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओवर वीएम्स नेक्स्ट वन इज रिमोट की एंट्री एंड लास्ट वन इज लीड मी टू द व्हीकल एंड फॉलो मी होम हेडलैम्प ये दो चीजें एडिशनली अच्छी आती है बोलेरो नियो में जो आई गेस बाकी के गाड़ियों में नहीं आती है बट दोज आर ऑल गुड टू हैव नॉट अ डिसीजन मेकर फर्स्ट डिसीजन मेकर पॉइंट इज क्रूज कंट्रोल ये सिर्फ एनटेन में ही आता है क्रूज कंट्रोल आज के डेट में सभी गाड़ियों में होना चाहिए जब भी आप लंबे सफर पे निकलते हो या फिर किसी एक्सप्रेस वे से आप जाते हो उस वक्त आपके राइट लेग को भी थोड़ा आराम मिलना चाहिए उस हिसाब से क्रूज कंट्रोल गाड़ी में होना चाहिए विच इज देयर इन एनटेन टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम ये बोलेरो नियो के ब्रोशर में तो नहीं दिया है बट ये प्रैक्टिकली आता है आई डोंट नो फ्रॉम विच वे दिस इज अवेलेबल बट दिस इज डेफिनेटली अ डिसीजन मेकर पॉइंट क्योंकि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम से आपको आपके टायर का प्रेशर भी पता चलता है प्लस आपको उसका टेम्परेचर भी पता चलता है एंड दिस हेल्प्स अ लॉर्ड वेन यू आर ड्राइविंग ऑन रोड विथ ग्रेट स्पीड लाइक मुंबई पुणे एक्सप्रेस यमुना एक्सप्रेस हाईवे या फिर समृद्धि महामार्ग यहाँ पे टायर बस से काफी गाड़ियों का नुकसान हो जाता है उससे बचने के लिए टीपीएमएस गाड़ी में होना ही चाहिए सो दिस इज अ वेरी गुड एंड अ डिसीजन मेकर पॉइंट आइसो फिक्स माउंट अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं जिनको आप अच्छी सीट अरेंजमेंट देना चाहते हो और सेफ रखना चाहते हो तो ये आइसोफिक्स माउंट आपके गाड़ी में होना ही चाहिए जो आज की डेट में सिर्फ एनटेन में अवेलेबल है डिलेड पावर विंडोज ये फीचर गाड़ी बंद होने के 20 सेकंड तक आपको विंडोज को रोल अप या रोल डाउन करने का फीचर देता है विच आई थिंक इज अ वेरी गुड एंड इसेंशियल पॉइंट मस्ट टू हैव इन एनी व्हीकल ये सिर्फ एन में ही आता है मैजिक लैम्प या फिर कॉर्नरिंग इंग ये एक बेहतरीन फीचर है जो बोलेरो नियो में इस प्राइस रेंज में मिलता है बाकी किसी भी व्हीकल में नहीं मिलता है ये मैजिक लैम्प भी एन में ही आता है सो विच आई थिंक डेफिनेटली अ डिसीजन मेकर पॉइंट रियर ग्लास वाइपर वॉशर डिफॉगर ये एक बेहतरीन फीचर है जो हर वेरियंट में होना चाहिए बट बोलेरो नियो के एन और एन टेन में ये अवेलेबल है ये आपको बहुत हेल्प करता है जब आप आपकी गाड़ी रेनी सीजन में चलाते हो या फिर किसी स्मॉग में चलाते हो सो दिस पॉइंट इज रियली वेरी हेल्प ड्राइवर इन्फॉर्मेशन सिस्टम ये एक ऐसी चीज है जो आपको बताती है कि गाड़ी का डीटी क्या है कितना एवरेज अभी गाड़ी दे रही है एंड अदर इन्फॉर्मेशन विच यू विच आई थिंक इज इसशियल फॉर एनी ड्राइवर ड्राइविंग दिस कार सो ये फीचर एनेट और एन में आता है यहाँ पे आप देख सकते हो एनेट ने दो मस्ट टू हैव पॉइंट स्कोर किए है वेयर एज एन ने सात पॉइंट स्कोर किए है नो इफ यू लुक एट देयर प्राइस ब्रैकेट तो एन फोर नाइन प्राइस के साथ आता है इसमें आपको के बाद, में, आता है। प्लस आप इसके ऊपर अगर एक लाख बाईस हजार रुपए जोड़ोगे तो आपको एन टेन आर का मॉडल आ जाएगा इलेवन पॉइंट थर्टी सिक्स लैक्स एक्स शोरूम प्राइस में यहाँ पे आप देख सकते हो फिफ्टी टू थाउजेंड ओवर एन फोर डालने के बाद आपको जस्ट दो टू हैव मस्त है रियर ग्लास वाइपर वॉशर डिफॉगर एंड ड्राइवर इन्फॉर्मेशन सिस्टम विच आई थिंक फॉर इट डज नॉट वर्थ दैट वैल्यू सो उस हिसाब से एनेट वर्जन उतना वैल्यू फॉर मनी नहीं रहता है वेल सो लेट्स ड्रॉ अ कंक्लूजन यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा एनफोर वेरियंट उन लोगों के लिए जिनको ये गाड़ी का कमर्शियल यूज करना है या फिर जिनका बजट काफी स्ट्रिक्ट है एंड फॉर ऑल दोल एज एज अ रोड नो रोड कितना भी अच्छा रोड हो या कितना भी बुरा रोड हो अगर आपको फैमिली यूज के लिए विद गुड वैल्यू प्रोपोजिशन के साथ कोई गाड़ी खरीदनी है सो हियर आई विल रिकमेंड एन टेन आर एन टेन में दो वेरियंट आते है एन टेन आर यानी रेगुलर और एन टेन ऑप्शनल तो इन दो में हम लोगों को कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए ट्वेल्व पॉइंट फोर्टीन लैक्स एक्स शोरूम प्राइस तो जो आप एडिशनल सेवेंटी एट थाउजेंड यहाँ पे डाल रहे हो उसके अगेंस्ट में आपको एम टी टी मल्टी टेर टेक्नोलॉजी मिलेगी ये टेक्नोलॉजी का यूज आपको तब होगा जब आपकी गाड़ी ट्रैक्शन लेस जगह पे फंस जाती है या फिर उसके रियर व्हील्स कहीं पे इस तरह फंस जाते हैं कि गाड़ी के टायर सिर्फ घूमते रहते लेकिन गाड़ी आगे मूव नहीं करती उस वक्त ये एम काम में आता है ये तुरंत एंगेज हो जाता है ये एम आपके उस टायर को एक्स्ट्रा पावर प्रोड्यूस करता है जिसको ट्रैक्शन मिल रहा है गाड़ी में लाख फीचर हो लेकिन अगर वो आपके किसी काम के ना हो या फिर आपके रेगुलर यूज में ना हो तो फीचर्स की कोई वैल्यू नहीं बनती है उस हिसाब से मैं एन टेन आर मोस्टली फैमिली बायर्स को प्रपोज करता हूँ वेयर एज जो एन टेन ऑप्शनल है मैं उन लोगों को प्रपोज करता हूँ जो फैमिली यूज के साथ साथ काफी अनइवन रोड कंडीशन में चलते हैं सो दैट्स ऑल गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो